बींग अ मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन इज नॉट एन ईजी जॉब एट ऑल भाई पहले तो पिच पे खराब परफॉर्मेंसेस इंडियोर करनी पड़ती है उसके बाद ऑफ द पिच गलत खबर गलत खबर बुरी खबर बुरी खबर यही देखते रहते हो आप हर समय कि भाई रोनाल्डो रैगने की मिसअंडरस्टैंडिंग बैठ रही है कुछ कभी आ रहा है कि भाई प्लेयर्स में बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठ रही कभी आ रही भाई ट्रेनिंग में कोचेस पे भरोसा नहीं है कभी कुछ कभी कुछ नो पॉजिटिव वॉड्स एंड इन येट एन न्यूज ऑफ नेगेटिविटी अपेरेंटली

कि यूनाइटेड के ट्रांसफर्स के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे आई थिंक इट्स गुड दैट लाइक एज फैंस हम एक बार डिस्कस करेंगे यूनाइटेड के ट्रांसफर्स uh, में क्या कमियां हैं क्या अभी करंट स्क्वाड की शेप है बिकॉज हम पूरे स्क्वाड की कभी भी इन जनरल बात नहीं करते हम कुछ कुछ प्लेयर्स की बात करते हैं स्टार्ट करता हूँ मैं यूनाइटेड के स्क्वाड से यूनाइटेड के स्क्वाड की बात करूँ यूनाइटेड स्क्वाड में मैंने पहले लिस्ट बनाई प्लेयर्स की यहाँ पे मैंने लिस्ट बना रखी है प्लेयर्स की और यहाँ पे मैं आपको बस बताऊंगा कि प्लेयर्स हमारे पास इस समय कितने हैं सैतीस प्लेयर इस समय हमारे पास इंक्लूडिंग द वंस वी हैव सेंट आउट ऑन लोन तो मैं भाई

पॉल पोकबा वन माटा जेसी लिंगार्ड ऑनड्रेस फरेरा एमेड डियालो फ्रेड ब्रूनो फर्नांडेस फेकंडो पेस्ट्री डॉनी वैंड जेम्स गार्नर हैनिबल मेबरी स्कॉट मैकटोम और निमानिया मैटिज तो ये हमारे हो गए तेरह प्लेयर और तरह मिडफील्डर्स और हमारे बारह डिफेंडर अब मैं फॉरवर्ड्स पे आऊँ विच इंक्लूड विंगर्स इज वन मैंने पिछले वाले मिडफील्डर्स में फेकेंडो पेस्ट्री और एमेड को इंक्लूड कर दिया था बट यू कैन काउंट दस फॉरवर्ड्स इफ यू वॉन्ट रोनाल्डो मार्सियाल कवानी रैशफर्ड, इलांगा, जेडन सैंचो, टाही चोंग एंड शोला शोरे टीरे शोला शोरे टीरे कैन बी काउंटेड एस मिड फील्डर एज वेल ये मैंने सीधे यूनाइटेड की ऐप से निकाला है जिससे कोई स्कोप ऑफ कंफ्यूजन ना रहे सबसे बढ़िया सोर्स सैंतीस प्लेयर है हमारे पास सैतीस प्लेयर ऑलरेडी साइंस ऑफ ब्लोटेड स्कॉर भाई आप लोगों ने फीफा खेला होगा आपको पता ही अगर हम कभी कभी टीम अपनी ड्रीम टीम बना रहे होते हैं ट्रांसफर वाले सेक्शन में जाके तो सैंतीस प्लेयर तो हम कर ही नहीं सकते इस टीम में हमारे को कुछ प्लेयर्स शिफ्ट करने होते हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग फोर्टी टू प्लेयर्स की कैप होती है एंड सैतीस जब हो जाते तो कहता है कि भाई यू हैव टू शिफ्ट सम प्लेयर्स ऑन लोन लोडेड स्कॉल ऑलरेडी इतना ब्लोटेड है एंड इसमें से आउट कौन हो सकती है आउट डिस्कस करते हैं फिर रोनाल्डो की बात पाएंगे बिकॉज रोनाल्डो की बात भी आउट से रिलेटेड है ही इज पोटेंशियली यू नो गोइंग टू गो आउट ऑफ द क्लब आउट में भाई विल स्टार्ट इन द सेम ऑर्डर गोलकीपिंग डिफेंस मिडफील्ड एंड फॉरवर्ड अब मैं गोलकीपिंग भी पाता हूँ तो ली ग्रांट एंड डीन हैंडरसन मुझे लग रहा है आर द मोस्ट प्रॉबल आउट गोइंग्स डी हैंडरसन आइडियली हमने पिछले समर बेच देना चाहिए था उसे क्योंकि चलो ठीक है इसमें मैं एक रीजन इसका ये समझ सकता हूँ कि डीनसन डीन हैंडरसन वॉज प्लान टू बी द कीपर फॉर यूनाइटेड इन द स्टार्ट ऑफ दिस सीजन उसको कोविड हुआ डेह स्टार्टेड ही टुक हिज अपॉर्चुनिटी दोनों हाथ से नहीं पूरा सब बिल्कुल जकड़ लिया अपॉर्चुनिटी एनज बीन इन फिनोमिनल फॉर्म एवर देंस तो डेह इज गोइंग नो वेयर नए कॉन्ट्रैक्ट की बात चल रही है उसकी विच मीन डीन हैंडरसन इज

और एरिक भाई भी एरिक भाई का आपको पता ही है जनवरी में इसी मिलान से काफी लिंक हो रहा था तो आई थिंक एरिक कुड बी एरिकल्सो नेम विच बिकॉज एज थिंग स्टैंड आई थिंक ऑफ डिजर्व टू स्टेट द क्लब ही हैज बीन आर्ग्यूबली इन द वीक्स बेस्ट रिसर वरान से ऊपर भी मैं प्लेस करूंगा इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस एटलेटिको वाले मैच में भी यू नो ही वॉज पार्ट ऑफ बैक दै ही वॉज द बेस्ट सेंटर बैक इवन अगेंस्ट हमारा जो मैच है वॉर्टफर्ड के खिलाफ ही वेरी कम्फर्टेबल इट वॉज अर अटैक विच फॉल्टेड तीसरा आता मैं ब्रैंडन विलियम्स पे ब्रैंडन विलियम्स इज एट ब्रांडनॉलेज प्लेइंग रियली वेल अगर नॉलेज वैसे मुश्किल है सर्वाइव करेर द फ्स टू गो डाउन बट जिस हिसाब से परफॉर्म कर रहा है आई वडेंट भी सरप्राइज एन अदर प्रीमियर लीग टीम मोन से ऑन लोन या हम उसे बेच दें क्योंकि वी ऑलरेडी हैव लेफ्ट बैक पे हमारे पे दो ऑप्शन ऑलरेडी हैं हु आर फाइटिंग इट आउट अब डिफेंस से आके मिडफील्ड पे आता हूँ मिडफील्ड में भाई वन माटा का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है माटा विल बी लीविंग जैसी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है ही इज गोइंग टू बी लीविंग लिविंग इनका कोई डाउट नहीं है

डिपेंड करता है कौन सा नया मैनेजर होगा इफ वी डोंट गेट अ मैनेजर से लाइक टेन हाग तो आई थिंक कुड वैंडबी बी ऑन इज वे आउट एंड इस पर बहुत डिपेंड करता है कि पॉकबा के साथ का डायनेमिक होता आई थिंक इफ थिंकबा स्टेज तो हो सकता है कि इज ऑन द वे आउट इफ स्टे तो आई थिंक का रुकने के चांसेस ज्यादा है फॉरवर्ड्स पे आता हूँ फॉरवर्ड्स में भी हमें नो no, मोरलेस no पता है कौन कौन जाएगा कवानी इज गोइंग दिस कन्फर्म न्यूज भाई को स्पेन जाना है इसके बाद नो दिस इज एक साल भी रुका है इतनी मुश्किल से रुका है एंड आउट ऑफ नाइनटी थ्री मैच विच हीड इन थर्टी नाइन मैच में सिर्फ अवेलेबल रहा है विच काउंस अमाउंट्स टू ऑलमोस्ट दीजन ऑफ प्रीमियर लीग भाई अड़तीस मैच होता है प्रीमियर लीग में थर्टी नाइन मैच डेज के लिए तो अवेलेबल नहीं रहा है इज ओनली बीन अवेलेबल फॉर फिफ्टी फोर फिफ्टी फोर ऑफ दो मैच डेज उसमें बहुत से ऐसे थे जिसमें सबकी कपैसिटी में आया था तो कवानी इज ऑल्सो स्ट्राइकर जो एक तरीके हमारे पास है नहीं वैन वी नीड हम द मोस्ट वी नीडेड हम राइट नाउ वेन रोनाल्डो इज नॉट इन द बेस्ट फॉर्म वी डोंट हैव एनी बडी एल्स कम एंड प्रोवाइड समथिंग डिफरेंट तो कवानीज ऑल्सो आउट रोनाल्डो टॉक उससे भी देखते हैं well. कुछ लोगों को उम्मीद थी स्ट्राइक खेले बट लेफ्ट में खेल के अच्छी जगह बना लिया स्कॉट में एंड इफ यू इम्रेस एंड यू नो सविया इन अभी तो ऑप्शन टू बाज वे आउट एंड ऑल्सो कंसिडर इसमें भी मैनेजर की डायनामिक बहुत इम्पोर्टेंट है ठीक है अब आई रोनाल्डो पे आते हैं रोनाल्डो की न्यूज आई कि रैगनिक डजन वॉन्ट रोनाल्डो टू स्पीड दीजन एंड वी आर बींग लिंक टून डॉफ्सकेगेन वो ही साइकिल तो मैं दोनों को ब्रेक डाउन करूंगा एंड वेदर रोनाल्डो शुड स्टेक मेरे हिसाब से तो रोनाल्डो रोकना चाहिए आई थिंक यूएंटेस और मैड्रिड से अलग से रोनाल्डो ऑलरेडी पास दिस क्लब लॉन्ग स्टैंडिंग लेगे विद क्लब एंड द फैंस जो मुझे लगता है कुड मेक हिम चेंज दिसंपियस लीग इज अग बिग डिस बट मुझे लगता है कि Champions League, United is still

इस और इन सबकी बातें हुई थी किसी रैल्फ का एक वीडियो आया था जिसमें फैन उनसे बोल रहे थे कि आपका क्या ख्याल है समर uh, uh, you know, uh, तो वट आर यू ड्रीमिंग तो कुछ लोगों ने कहा कि भाई ना मतलब डबरबट ऑफ की कॉमेंट आई थी यू नो ही थोड़ा सा उसे मतलब यू नो uh, you know, थोड़ा सा कह सकते डिप्लोमैटिक तो रिस्पांस देना चाहिए प्रोस्पेक्ट ऑफ साइनिंग बट आई थिंक इट्स अ वेरी रियिस्टिक रिस्पॉन्स मेरे को नहीं लगता कुछ बुरा कहा है हालैंड को क्यों लाए हम अभी इस समय हालैंड इज बिगर प्रॉब्लम साइनिंग क्योंकि हमने रोनाल्डो को साइन किया हमने मिडफील्ड नहीं साइन किया. We किया पिछले साल हमें सेंचो नहीं मिला तो इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग मनी ऑन द लाइक्ट्रियन एमेडीआर जिनको हमने बेरली फीचर किया है नॉट बीन एनी सॉर्ट ऑफ इंपॉर्टेंस टू द स्कॉट बस एम एड का अगर आप गोल निकाल दो अगेंस्ट ए सी मैदान इन चैप इन दी रूपा लीग आए तो उसके अलावा एम का भी कुछ रोल नहीं ना है तो फीचर ही नहीं किया है फर्स्ट टीम में ओनली इन द प्री सीजन तो मुझे लगता है इन दोनों प्लेयर्स को खरीदने के अलावा एंड यू नो स्टेंड ऑफ स्पेंडिंग मनी ऑन डॉबिको टोटल पता है कितना बचा देते हैं हमारा दस मिलियन में है हमारा डी की एम एड डीएलओ की बीस प्लस बीस है तो ट्वेंटी uh, प्लस ट्वेंटी मिलियन वाली उसकी जो डी है तो ट्वेंटी मिलियन उसके लिए थे तीस मिलियन एंड अराउंड थर्टी फाइव फॉर डॉडबिकाइव मिलियन इट टू यू नो अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड जैसे हमने यूज ही नहीं किया है पैसठ मिलियन में हम अच्छा ला सकते काफी अच्छा मिडफील्डर ला सकते नहीं लाए लास्ट समर भी बॉर्टन सैनचो रोनाल्डो रोनाल्डो सर्टनली नॉट अ प्लान साइनिंग और यह बात थी कि अगर रोनाडो नहीं होता फ्रिजो रोमानो ने भी तो मिड फील्डर कोड ऑफ कामन नहीं आया इस समय अब क्या बात चल रही कि भाई हाल और बिकॉज छोटा पॉइंट की मेरे हिसाब से नहीं साइन करना चाहिए बिकॉज आई फी अभी ऑलरेड नॉन ऑफ की प्रोन हीज एट द पीक ऑफ इज गेम हल्का सा यंगर भी है फ्रॉम रोनाल्डो एंड फ्रॉम कवानी तो ही इज स्टिल एट द टॉफ गेम इज नॉट लाइक कवानी जो भाई पी एच डी में भी लास्ट कपल ऑफ ईयर्स जिसने इंजरीज इंजरीज uh, में uh, गुजारे थे एंड बाद में यूनाइटेड आ गया बिल्कुल मूव में ही पार्ट ऑफ बायस प्लान अभी ऐसी सिचुएशन कुछ हो रही है जिससे कि ही किड भी लुकिंग टू मूव आउट क्योंकि इसने बायन में सब कुछ जीत चुका है तो मे बी ही गो कम टू द प्रीमियर लीग एक चेकबॉस से ही होता है हर प्लेयर को प्रीमियर लीग में खेलने का मे बी डेट कुड बी द केस बट आई थिंक बिकॉज हमने शॉर्ट टर्म प्लानिंग बहुत कर चुके हैं हम रोनाल्डो को लाए कवानी को लाए दे आर ऑल शॉर्ट टर्म सोल्यून तो एक दो साल एक दो साल एक दो साल वाले वी नीड अ स्ट्राइकर जैसे सिटी ने साइन किया जूलियन एलवेस को वी नीड अ स्ट्राइकर जो आके हमारे को इन द लॉन्ग रन हेल्प कर पाए सिटी ने जूलियन एलवेरेस को साइन किया तो इट इज अ एंड दे स्टिल वाइट बी ऑन द लुकआउट फॉर अ स्ट्राइकर बट अच्छी साइनिंग है स्कॉड में अभी क्लब में आके इनके सिटिंग ऑन द बेंच एंड इज नॉट बींग रिवर प्लेट में था अपना मस्त खेल के पूरा सीजन बिता, बिता के प्री सीजन में ज्वाइन करेगा विद द टीम विच इज राइट टाइम फॉर टू कम इन जिससे वो एक बार पूरी ट्रेनिंग से पूरे जो सिस्टम है सिस्टम चेंज से थोड़ा फेमुलराइज हो जाए ंक दैट द राइट स्ट्रेटी फॉर यूनाइटेड टू फॉर सिटी के साथ सिचुएशन भी बहुत बिल्कुल ही अलग है बिकॉज दिय स्कॉट इज कम्प्लीटली सॉर्टेड स्ट्राइकर भी उनको ऐसी नहीं थी बिल्कुल प्रेसिंग नीड थी because भाई बिना स्ट्राइकर के भी वो लीग जीतने की पोजिशन में है पिछले सीजन तो जीती गए थे तो आई वुड कम्पेयर आर सेल्स विद सिटी इन टर्म स्ट्राइकर पोजिशन बट आई जस्ट सेंगे जो विजन है प्लेयर्स खरीदने का लिवरपूल को भी मैं कितनी बार रेफरेंस कर सकूँ तो इट इज इट शुड भी समथिंग लाइक लेवेंड ऑफ्स को लोगे इज थर्टी थ्री आप इसको ला के आई एम नॉटी लेवें

आई थिंक मड्रिड एंड बारसा एंड सिटी आर वेड इन दैकिंग फॉर हाल बिकॉज भाई रायोला वाली जो फैक्टर है रायोला को पता है ऑलरेडी वो पॉकबा के साथ एक गलती कर चुका है छह साल उसने पॉकबा को रोका लिया उसका बिल्कुल प्लान नहीं था पॉकबा को छह साल रोकने का इफ इफ थिंग्स वेंट हिज भाई आई थिंक पॉकबा तीन साल में यूनाइटेड से चला जाता एंड तीन यू कैन एक्चुअली रेफरेंस द फर्स्ट साइंस ऑफ पॉकबा वॉन्टिंग टू लीव द क्लब तीन साल पहले कि उसने एक बार समर आई थिंक एशियन टूर था हमारा सीजन जापान वगैरह में उसने कहीं पर कहा था कि आई वॉन्ट टू लीव

फैंस का इंटरेस्ट जगाने के लिए सबका एग्जाम्पल तो देना चाहता था जनवरी तो में साइन किया डेनिस उन्डाव को अब आप जानते नहीं हो गए कौन है बेल्जियन प्रो लीग में दे आर फर्स्ट इन लीग राइट नाउ एंड देर तो मतलब अलग ही चल रहे हो एंड देर ऑन ट्रैक टू विन दो सात पॉइंट आगे

थर्ड लीग आया जो बुंडस लीगा बेसिकली थर्ड टीयर ऑफ जर्मन फुटबॉल उसमें से उठा के लाए थे उसको एंड ही स्ट्रेट इन केम इन एंड यू यू नो नो ही स्कोरिंग गोल्स पिछले सीजन आया था उनको प्रमोशन में हेल्प की नाउ ही स्कोरिंग गोल्स टॉप स्कोर इन दी बेल्जियन प्रो लीग तो भाई एक देखो इस स्ट्राइकर की आप यू डोंट हैव टू ठीक है ब्राइटन इज नॉट अ क्लब विच कैन गो फॉर हालेंड एंड इस टाइप के कैटेगरी के प्लेयर के लिए नहीं जा सकते

यूरो अब बड़ा नाम बना है बट मड्रेड ने जब साइन किया था जब बड़ा नाम नहीं था तो वी well. को मिडफील्ड भी डेक्लन राइस चाहिए हमारे स्ट्राइकर भी हारलेंड चाहिए कि आप दो प्लेयर भी दो सौ मिलियन उड़ा दो ऐसा हो ही नहीं सकता दो सौ दो का खर्चा होगा तो मेरे, मेरा ये टू सेंट्स थे ऑन द होल प्रोसेस आई थिंक यूनाइटेड शुड मेक श्योर दैट यू नो दे आर फर्स्ट

राइट द क्लब फॉरवर्ड अदरवाइज इज नॉट बी इन दिस सिचुएशन आप लोग भी अपने ओपिनियन बताए क्या है पूरे uh, सागा पे थोड़ा वीडियो लंबा हो गया बट आई कि मैं पूरा एक बार डिस्कस करूँ वट इज माई ओपिनियन ऑन द होल यूनाइटेड स्क्वाड एंड कौन जा सकता है कौन नहीं जा सकता एंड वॉट यूनाइटेड स्ट्रेटी कुड भी अब मैनेजर का तो भाई ऑलरेडी हम इतनी बार डिस्कस कर चुके हैं बट अभी भी ट्रांसफर्स की बहुत हॉचपॉच हो रखी है यूनाइटेड शुड फर्स्ट डिसाइड ऑन द मैनेजर देन गो ऑन द ट्रांसफर्स भाई आप प्लेयर ले पता चले मैनेजर यूज नहीं करना चाह रहा देखते हैं विल बी कवरिंग दिस होल ऑल ऑन गोइंग मोर एंड मोर अपिंगीडियो एंड स्ट्रीम्स लाइक दिस वीडियो एंड आई कैच यूज इन द नेक्स्ट वन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड बाय बाय